एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया आप हमें देख रहे हैं बर रास् आज पर अरे दानिश भाई लाइव हैं थैंक यू तो बहुत बहुत शुक्रिया बरह रास्त हमारे साथ रहने का और अब जो सेगमेंट आ रहा है वो हमारे आ, कराम के साथ जो हमारा जो सेगमेंट होता है कल बहुत मुख्तर उन गुफ्तु रही लेकिन आज का मौजू मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है और मैं कहूँगी पहले सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ज़ाहिर है हमारी टीम हमारी फैमिली का हिस्सा अलामा जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं बहुत माजरत अलामा बात आप भी साहब अल्लामिक सॉरी अगर शुरू शुरू में जरा सा नाम याद करने में ज़रा प्रॉब्लम होता है लेकिन आ, बहुत खैर वाफियत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे साथ गुफ्ती रमाई साहब मौजूद हैं इस्लामिक आपको भी भाई और साहब मौजूद हैं एक बार फिर माजर चाहती हूँ अगर किसी तरह से दिल आजारी हुई है दिल आज़ारी की बात करते हैं तो मैं शुरू करना चाहूँगी जवाब भाई आपसे अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस इस छोटे से लम्हे में जो मुझसे अभी ये गलती से हुआ मेरी नीयत दुनिया शायद जज कर ले कि इसने कहीं जान के तो नहीं किया नहीं नहीं इसकी नीयत ही खराब थी ऐसे मौके बहुत आते हैं 24 घंटों में शायद चौबीस हज़ार बार हम खड़े खड़े दूसरे की नीयत को जज कर लेते हैं क्या कहना चाहिए बस्मिल्ला बहुत खूबसूरत इस लिहाज से कि अगर इस महीने में हमने इस चीज़ को तरह से मॉडिफ़ाई कर लिया और इसको हमने सुधार लिया जी। और यानी अपनी एक सेल्फ़ जजमेंट की तरफ हम आ गए तो मैं समझता हूँ कि कल जो हमने जुमला कहा था कि इस महीने के अंदर अल्लाह साल से सच्ची नीयतें मांगनी है ठीक। और दिलों को पाक करना है ठीक। हदीस में यह है कि उतुल का उजरन जब भी तुम्हें शक हो रहा हो कि मेरे इस भाई ने या मेरे इस अजीज ने कोई बात मेरे खिलाफ की है तो उसके लिए अपने आप से कोई एक्सक्यूज़ फ़र्ज़ करो कि नहीं हो सकता ये हुआ हो इन लम तजू हो फल तमिस उजरन अगर तुम देखो कि तुम्हें अपने आप में कुछ नहीं मिल रहा तो फिर तुम उससे खुद पूछो कि कोई और नहीं आप ये नहीं कहना चाह रहे होंगे शायद आपका यह मुराद होगी यानी हद तक रवायात में यह कि सत्तर मरतबा का हुक्म है कि सत्तर भी उसके लिए एक्सक्यूज अगर आपको अपनी तरफ से बनाने पड़े तो बनाओ यहां सत्तर तो छोड़ दीजिए हम सत्तर नहीं लगाते, दूसरे को ब्लेम कर देते और दूसरे को ब्लेम से ब्लेम नहीं करते हैं उस पर एक चार शीट हम फाइल करते हैं उसके है। बाद उसे कटेरे में खड़ा करके उसकी इज्जत को नीलाम करने का फैसला सुना देते हैं, देते हैं। इतना जल्दी हम फैसले में करते हैं हमें ये सोचना चाहिए कि वो अल्लाह जो तमाम ताकतें रखने के बावजूद हमें अजाब देने में जल्दी नहीं करता है हम उसकी हकीर मखलूक होने के बाद जो 102 के बुखार में कांपने लगते हैं बुखार का मौसम चल रहा है एक सौ दो बुखार में है अल्ला। हम अल्लाह की मखलूक के बारे में इतना बदजन क्यों करते हैं मौलानी फरमाते हैं अला अकल ही आदमी का जो गुमान होता है ना किसी के बारे में वो उसके अपने अकल के मुताबिक होता है मैं किसी के लिए बुरा सोच रहा हूँ उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं इससे मेरा अपना माइंड सेट एक्सपोज हो रहा है कि मैं इतना नीचे हूँ तो मैं फला के लिए इतना मनफी सोच रहा हूँ सोचो को बुलंद कीजिए हम उस अल्लाह के मानने वाले हैं जो अकबर है ग्रेटेस्ट है सबसे बड़ा है हम उस नबी के मानने वाले जो नबियों में सबसे बड़ा है पूरी कायनात में सबसे बड़ा है हम उस किताब को मानने वाले हैं जो किताब में सबसे, सबसे बड़ी है अल्लाह ने इतनी बुलंदी दी हम इतना पस्त क्यों चले जाए रखिए نوری بھائی بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز بس اپ اس کو جاری اما بعد <متحدث> فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد بالفرقان الحميد. يا ايها الذين آمنوا استنبوا كسدا من <متحدث> الزن. صدق الله العزيز وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم. تمام تعریفیں अल्लाह सुबहान ताल के लिए और दुर्द सलाम सब के आका हम सब के, हम हम सब सब के मौला, मौला था। ताज दार मदीना ताज दार ख़त नबूत हजूर महमद रसूल सल्ला वसलम कौन मजीफ़ और कौन हमीद का ये मिजाज है कि जब वो या यास कहता है तो तमाम लोगों से बात करता है उसमें अपने भी होते हैं गैर भी होते हैं सलातो सलाम से मोहब्बत रखने वाले भी होते हैं तो हुजूर हज़ू सल्ला वसम को अपना जैसा इंसान बशन समझने वाले भी होते हैं मगर कुर्बान जाऊँ जब क़ुरान या अय्यूल लदीन आमनु कहता है तो या आमनु के अंदर कहता है हम बात अब गैरों से नहीं अपनों से करते हैं और जब बात अपनों से करते हैं तो अपनों में ये बात की जाती है या यो लीन

कौन होते हैं आइए हम कुरान से पूछते हैं वाला तत्तवी खतुआत शैतान ए लकुम अदुमुबीन ए वाला तत्तवी और तुम शैतान की पैरवी ना करो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है शैतान करता क्या है इन नमा या अमरुक बस्सू वो तुम्हें नेगेटिविटी का हुक्म देता है नेगेटिव थाट्स का हुक्म देता है अब आइए फैसला करते हैं इस रमजान में इस ट्रांसमिशन में इस वक्त में मैं अगर नेगेटिव सोचता हूं तो इसका मतलब मैं अभी तक अल्लाह वाला हुआ नहीं अभी तक रसूल मेरे दिल में गई नहीं मैं जो रसूल पाक पर दुरूद पढ़ता हूं उसका अभी असर हुआ नहीं हाँ अगर मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता अच्छा सोचता हूँ अच्छा करता हूँ अच्छा देख देखता हूँ अगर गलत हो भी जाए तो मैं सोचता हूँ मिसाल के तौर पे जब बात ने अगर कोई बात सख्त कह दी अगर मैं दिल में ये सोचता हूँ मेरा भाई है हो सकता है मिजाज में गर्मी हो गई परेशान होगा परिशान आप यकीन माने हुँ। इस हुँ। सोचने पर मुझे अल्लाह की रहमतों की बारिश होना शुरू हो जाएगी अल्लाह सुबहाना व तला मेरी रूहानी कैफियात को रूहानी मामला को बढ़ाता चला जाएगा अगर आप चाहते हैं आज एक मशवरा दे रहा हूँ बहसीत हर्बल डॉक्टर आपको आज इस कॉम में एंजाइटी बहुत है हाँ। डिप्रेशन बहुत है एंजाइटी डिप्रेशन खत्म कैसा होगा आप लोगों के लिए बुरा सोचना छोड़ दें आपके लिए बुरा होगा नहीं अल्लाह हो अल्ला। अल्ला। अकबर इसी बात पर छोटा सा वक्फा ये गुफ्तगू जारी है और बहुत कुछ सीखना भी अभी बाकी है सब करके बाद रहेगा हमारे साथ जी वाह वाह वाह